प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से अधिक कुंडली के बारे में ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिएगा तो खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाए। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, केतु शुक्र बुध ग्रह की युक्ति। कुंडली के प्रत्येक राशियों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव देता है, आपके भाग्य के साथ कैसा खेलता है खेल, इसको सुनिए। जिसकी कुंडली मेष राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ऐसे लोग बिना परिश्रम के धन अर्जित करने के प्रयास में रहते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल होते हैं, ऐसे लोग बचपन से ही तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, माता पिता के विचारों से इनका मतभेद रहता है और पारिवारिक जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा करते हैं। जिसके कुंडली में कर्क राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग सांसारिक सुख पाते हैं, पारिवारिक सुख पाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम उम्र से नौकरी या व्यापार में अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग शिक्षा के अभाव में परेशान रहते हैं, जल्द इनका कैरियर नहीं बन पाता है, इनका जीवन अधिकांश बेरोजगारी में व्यतीत होता है। जिसकी कुंडली में कन्या राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, बुद्धि इनकी चलायवान होती है, बुद्धि स्थिर नहीं होती है, बिना कारण ये जीवन इनका विवादों में व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में तुला राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, व्यवसायिक विचार के होते हैं, ऐसे लोग स्वयं आप निर्माणकर्ता होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ये स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, सर्दी का खांसी से परेशान रहते हैं, ये कभी भी स्वास्थ्य की वजह से जीवन इनका हमेशा विवादों में रहता है। जिसके कुंडली में धनु राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग अचानक उन्नति करते हैं, अचानक धन पाते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र स्वावलंबी विचार के होते हैं। जिसकी कुंडली में कुंभ मकर राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग केमिकल धातु जवाहिरात के व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं और इनके पास जो भी धन दौलत स्वयं का बनाया हुआ है। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, समाज सेवक होते हैं, राजनीति में सफल होते हैं, ऐसे लोग विधायक और संसद बनते हैं। जिसके कुंडली मीन राशि में केतु शुक्र बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन सुखदायी होता है, परंतु सेक्सी विचार के होने के कारण ये अब धन संचय नहीं कर पाते।
ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना करते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।